आइए इस बनने का सपना देख रहे बिहार के सनोज राज ने केबीसी 11 के सेट पर इतिहास रच दिया है। सनोज राज मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन के पहले करोड़पति बने हैं। शुक्रवार को 15 सही सवालों का जवाब देकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते। इस तरह केबीसी के सेट पर बिहार का टैलेंट एक बार फिर चमका है। बता दें कि केबीसी में बिहार के ही सुशील कुमार 5 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। सनोज राज बिहार के जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड के ढोंगरा गांव के निवासी हैं। जब सनोज से 1 करोड़ रुपए का सवाल पूछा गया था तो 25 साल के सनोज ने जवाब जानते हुए भी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। ये उनका आखिरी लाइफलाइन था। जब बिग बी ने उनसे पूछा कि जवाब जानने के बावजूद उन्होंने लाइफलाइन क्यों लिया तो सनोज ने कहा कि क्योंकि वे नियम के मुताबिक इस लाइफलाइन का इस्तेमाल 7 करोड़ के सवाल का जवाब देने में नहीं कर पाते, इसलिए इसे बर्बाद करने की बजाय इस्तेमाल कर लिया और सही जवाब दिया। सनोज राज जिस सवाल का जवाब देकर 1 करोड़ का इनाम जीते वो सवाल ये है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के पिता भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? सनोज ने सेट पर कहा कि इसका सही जवाब जस्टिस रंजन गोगोई है। इसके बाद उन्होंने अपने आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर उनको सही जवाब मिला और उन्होंने इस ऑप्शन पर ताला लगाया। इसके बाद बारी थी 16वें सवाल की। हालांकि सनोज 7 करोड़ रुपए के जैकपॉट सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। 16वां सवाल क्रिकेट से जुड़ा हुआ था और इस प्रकार था, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने किस भारतीय गेंदबाज की बॉल पर 1 रन बनाकर प्रथम श्रेणी का अपना 100वां शतक पूरा किया था? कंप्यूटर ने 4 विकल्प सनोज राज के सामने रखे। ये विकल्प थे बका जिलानी, सी रंगचारी, गोगुमल किशन चंद और कंवर राय सिंह। सनोज इस सवाल का जवाब नहीं जानते थे, लिहाजा उन्होंने गेम से क्विट करना ही बेहतर समझा और 1 करोड़ की धनराशि जीतकर ही संतोष किया। बाद में कंप्यूटर ने इस सवाल का सही जवाब गोगुमल किशन चंद बताया। तो दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश विदेश की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली शॉर्टिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।